पिछले 6000 सालों से ज्यों की त्यों मौजूद है ये रामायण कालीन गुफा। कहते हैं अत्यंत रहस्यमय इस प्राचीन गुफा में कभी जामवंत रहा करते थे और इसी गुफा में उनका श्री कृष्ण से युद्ध भी हुआ था। रामायण के अनुसार सरयू में अंतर ध्यान होते समय प्रभु श्री राम ने हनुमान जी और विभीषण के साथ जामवंत को भी चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया था। ऐसा माना जाता है कि विभीषण और हनुमान जी की तरह जामवंत भी आज तक जिंदा हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि जामवंत आज भी अपनी इस गुफा में रहने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि जामवंत की इस प्राचीन गुफा में आज भी अनेकों गुप्त और रहस्यमयी सुरंगें मौजूद हैं। ऐसा कहा जाता है कि जामवंत इन्हीं सुरंगों के माध्यम से आज भी अपनी इसी गुफा में रहने आते हैं। कुछ लोगों के अनुसार जामवंत गुफा की सुरंगें पाताल लोक तक जाती हैं, तो वहीं कुछ लोग उन सुरंगों को चार धाम से भी जोड़ते हैं। तो आखिर क्या है जामवंत की गुफा का रहस्य और आखिर क्या है उन रहस्यमयी सुरंगों की सच्चाई, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री राम कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जम्मू और कश्मीर के जम्मू नगर के पूर्वी छोर पर मौजूद है अत्यंत रहस्यमयी जामवंत की गुफा। इस गुफा को जामवंत की तपोस्थली के रूप में भी देखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि रामायण में प्रभु श्री राम से चिरंजीवी का आशीर्वाद लेने के बाद जामवंत ने इसी गुफा में महादेव की तपस्या की थी। जामवंत ने यहाँ रुद्राक्ष से एक शिवलिंग भी बनाया था जो यहाँ आज भी मौजूद है। कहते हैं द्वापर युग में स्यमंतक मणि की खोज के समय इसी गुफा में जामवंत और श्री कृष्ण का युद्ध हुआ था, जिसके बाद जामवंत ने श्री कृष्ण से अपनी बेटी जामवंती का विवाह भी करवाया था। जामवंत की इस गुफा को आज के समय में पीर खो के नाम से भी जाना जाता है। 15वीं शताब्दी में यहाँ शिव मंदिर का निर्माण किया गया। आज के समय में जामवंत की ये प्राचीन गुफा एक संपूर्ण शिव मंदिर का रूप ले चुकी है, जहाँ शिवलिंग के साथ साथ अन्य देवी देवताओं को भी पूजा जाता है और लोग इसे गुफा मंदिर के नाम से भी संबोधित करते हैं। ये ऐतिहासिक गुफा मंदिर आग्नेय चट्टानों और बबूल के जंगलों से घिरी पवित्र तवी नदी के तट पर स्थित है। स्थानीय लोग इस गुफा मंदिर को शिवालिक क्षेत्र में सबसे पुराना मानते हैं। जामवंत की इस गुफा को भले ही यहाँ के शिव मंदिर की वजह से जाना जाता हो, लेकिन पिछले 6000 सालों से जामवंत की ये गुफा अपने अंदर अनेकों रहस्यों को समेटे हुए है। गुफा में मौजूद सुरंगें इसे और रहस्यमयी बनाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि गुफा की ये सुरंगें एक नेटवर्क की तरह बिछी हुई हैं और इस गुफा को दूर दराज के महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जोड़ती हैं। कुछ स्थानीय लोग बताते हैं कि ये सुरंगें पाताल लोक तक जाती हैं और रात के समय में पाताल लोक के जीव इस गुफा में रहने आते हैं, क्योंकि आधी रात में यहाँ से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि वो आवाजें स्वयं जामवंत की हैं और वे रात में अपनी इसी गुफा में रहते हैं। जामवंत की गुफा में मौजूद उन अत्यंत रहस्यमयी सुरंगों से संबंधित अनेकों दावे किए जाते रहे हैं। लोग बताते हैं कि ये गुप्त सुरंगें इस गुफा को विदेशों से भी जोड़ती है। वहीं कुछ लोगों का दावा है कि इनके माध्यम से चार धामों के दर्शन भी किए जा सकते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस गुफा में मौजूद एक अत्यंत रहस्यमयी सुरंग अमरनाथ की गुफा तक जाती है और यहाँ के कुछ सुरंग नवदुर्गा तीर्थ से भी जुड़ते हैं। यहाँ के गुफा मंदिर को जम्मू के सबसे प्राचीन शिव मंदिरों में से एक माना जाता है।
जिसके दर्शन के लिए विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। ये मंदिर गुफा परिसर लगभग 100 फीट लंबा और 20-30 फीट गहरा है, जो भगवान शिव, नवदुर्गा और जामवद को समर्पित है। परिसर में एक बड़ा प्रांगण है जिसके दोनों ओर मंदिर खुलते हैं। वास्तुकला में आधुनिक और पुराने दोनों डिजाइन तत्व हैं। हाल ही में बनाया गया उल्टा कमल का गुंबद है, जो तवी नदी के जमाव के प्राचीन शिलाखंडों में विलीन हो गया है। छत पर चित्रकला की उत्तम शैली दिखाई देती है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन चित्रों में नील के उपयोग से पता चलता है कि इन्हें 19वीं शताब्दी के आसपास बाद में जोड़ा गया होगा। गुंबददार प्रवेश द्वार के आगे एक छोटा सा अन्य द्वार भी बना हुआ है, जो दाहिनी ओर जामवंत गुफा के निचले कक्ष के साथ एक मार्ग की ओर जाता है, जिसमें भगवान शिव का एक मंदिर भी मौजूद है। मंदिर प्रांगण के केंद्र में एक शाश्वत गोरखनाथ धुनी है। परिसर के भीतर एक शनि देवता मंदिर है, जो स्थानीय लोगों द्वारा पूजनीय है। ये पूरा मंदिर संभावित बाढ़ से बचाने के लिए एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। कहा जाता है इस जामवंत की गुफा की जानकारी सबसे पहले शिव भक्त गुरु गोरखनाथ जी को पता चली थी। गोरखनाथ जी अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार इस गुफा की देखभाल करने लगे और अपनी धुनी जमा कर बैठ गए। ये भी कहा जाता है कि ये जामवंत गुफा 6000 साल से भी अधिक पुरानी गुफा है। कहा जाता है जम्मू कश्मीर के राजा बैरम देव जी ने 1454 ईस्वी से लेकर 1495 ईस्वी के दौरान इस गुफा में मंदिर का निर्माण करवाया था। इसलिए जम्मू के इस प्राचीन शिव मंदिर को जामवंत गुफा या फिर पीर खो भी कहा जाता है। पीर खो तक पहुंचने के लिए श्रद्धालु मुहल्ला पीर मिठा के रास्ते गुफा तक जाते हैं। इस मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं के मनमोहक चित्र उकेरे गए हैं। आंगन में शिव मंदिर के सामने गुरु पूर्णनाथ और सिंधिया की समाधियां बनी हुई हैं। यहां जामवंत गुफा के साथ एक साधना कक्ष का भी निर्माण किया गया है, जो तवी नदी के तट पर स्थित है। बाकी आपको जामवंत की गुफा की ये रहस्यमयी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।